नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेश कुमार और आप देख रहे हैं कृषि जगत टेक्नोलॉजी। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको नींबू की कटिंग का रिजल्ट दिखाएंगे। 20 दिन पहले हमने नींबू और चीकू की कटिंग को एक साथ एक पॉलिथ बैग में लगा करके इस प्रकार से हमने रख दिया था। 20 दिन के बाद इसका रिजल्ट आपके सामने है। जो नींबू वाली कटिंग थी वो अंकुरित हो चुकी है। इस प्रकार से आप अपने नींबू को अंकुरित कर सकते हैं, यानी नींबू के ब्रांच से नींबू का पेड़ तैयार कर सकते हैं, पौधा तैयार कर सकते हैं। आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताना। आप अगर आपने भी कोई कलम लगा रखी है और इस प्रकार से अंकुरित हो चुकी है तो आप इस पेड़ को, यानी इस ब्रांच को, इस शाखा को दूसरे स्थान पर अभी शिफ्ट न करें। कम से कम 45 दिन के अंदर ही अपने अंकुरित हुई ब्रांच को दूसरी जगह शिफ्ट करें, क्योंकि 45 दिन से पहले इसमें नीचे जो जड़ बनती हैं, अभी जड़ बनना शुरू हुई है, अभी विकसित नहीं हुई है ज़्यादा। जब तक ये जड़ विकसित नहीं हो जाती हैं तब तक आपको इसे दूसरे स्थान पर या दूसरे गमले पर नहीं लगाना है, इस स्थान से नहीं हिलाना है, क्योंकि 45 दिन के अंदर इनमें जड़ें जो विकसित होंगी वहीं अच्छी होंगी, नहीं तो अन्यथा आपका ये ब्रांच मरने की संभावना है। इसलिए आप इसे 45 दिन से पहले किसी अन्य पोर्ट या स्थान पर शिफ्ट न करें। आपको इस वीडियो से अगर कुछ सीखने को मिला है तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय जवान, जय किसान।